नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। चलिए शुरुआत करेंगे सुपर 50 की। सीएम योगी आज कानपुर और प्रतापगढ़ के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी सुबह 10:30 बजे CSA यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, जहां वो किसान गोष्ठी में शामिल होंगे। इसके बाद वो दोपहर 1 बजे साकेत नगर के कमर्शियल ग्राउंड में जन जागरण रैली को संबोधित करेंगे। CAA को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 2:35 पर संजय वन से प्रतापगढ़ के लिए सीएम योगी रवाना होंगे। आज मेरठ दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां वो विशाल जन जागरण रैली करेंगे। शताब्दी नगर के माधव कुंज में राजनाथ सिंह CAA के समर्थन में रैली करेंगे। रैली में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे। राजनाथ सिंह करीब 1.5 घंटे मेरठ में रहेंगे। रक्षा मंत्री दोपहर 1 बजे नई दिल्ली से निजी हेलीकॉप्टर से सीधे रैली स्थल माधव कुंज पहुंचेंगे, जिसके बाद रैली को संबोधित करने के बाद वो 2:30 बजे हेलीकॉप्टर से दिल्ली वापस लौट जाएंगे। रैली को लेकर बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली है। एक बड़ा मंच राजनाथ सिंह की रैली के लिए तैयार किया गया है। सुरक्षा को लेकर सारी तैयारी पूरी है। प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद। CRPF अधिकारी मेरठ पहुंचकर रैली स्थल को अपनी सुरक्षा घेरे में ले लिया है। आज से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक कार्यशाला का आयोजन करेंगी। इसमें राज्य के जिला और शहर के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। प्रियंका के दौरे के दौरान पार्टी के राजनीतिक माहौल पर और साल के अंत में होने वाले पंचायत चुनावों की तैयारी पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। सोनिया और प्रियंका गांधी भूमऊ में चल रहे कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगी। फुर्सतगंज एयरपोर्ट से रायबरेली पहुंचेंगे दोनों नेता। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज 144 याचिकाएं सुनवाई की सूची में है। ज्यादातर याचिकाओं में CAA का विरोध किया गया है। 17 दिसंबर को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से मना किया था। कोर्ट ने सरकार से याचिकाओं पर जवाब मांगते हुए कहा था कि जनवरी में मामले की विस्तार से सुनवाई होगी, तभी कोई आदेश दिया जाएगा। इस मामले में चीफ जस्टिस SA बोबड़े, S अब्दुल नजीर, संजीव खन्ना के सामने जो याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी, उनमें असम प्रदेश कांग्रेस, CPM कांग्रेस नेता जयराम रमेश, AIIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, तृणमूल कांग्रेस नेता, इसके अलावा केरल सरकार ने भी याचिका दाखिल की है, उस पर भी आज सुनवाई हो सकती है। इन सभी याचिकाओं में संसद में पास नए कानून को संविधान के खिलाफ बताया गया है। इनमें कहा गया है कि आर्टिकल 14 के तहत हर व्यक्ति को कानून की नजर में समानता का मौलिक अधिकार हासिल है। आज धारा 370 हटाने और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ मामले में सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील संजय पारिक और दरीश द्विवेदी ने मामले को बड़ी बेंच में भेजने की मांग की है, जिस पर सुनवाई चल रही संवैधानिक पीठ को तय करना है कि इस मामले को लार्जर बेंच के पास भेजा जाए या नहीं। चंपावत सैन्यधाम का एक और जवान जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गया। जैसे ही ये खबर परिजनों को मिली तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल चंपावत के GGIC निवासी राहुल रेंजवाल जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। इस साल जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकियों की एक चौथी मुठभेड़ है। इससे पहले सोफिया में हुए मुठभेड़ में सेना ने हिजबुल के 3 आतंकियों को मार गिराया था। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवान की शहादत को सलाम करते हुए कहा कि सरकार शहीद राहुल के परिजनों के साथ खड़ी है और इस दुख की घड़ी में वो ईश्वर से परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना कर रहे हैं। CAA और NRC के खिलाफ मुस्लिम कॉलोनी में जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में बच्चों के साथ महिलाएं धरने पर बैठी, वहीं पुलिस ने मौके से लोगों को हटाया। इस दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों में नोकझोंक भी हुई। देहरादून 2 दिवसीय IS वीक का समापन हो गया है। IS वीक में अफसरों को CM ने संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को कार्यप्रणाली ठीक करने के निर्देश और जनता के हित में काम करने के लिए कहा। इसके अलावा विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सिम रावत ने कहा कि गुड गवर्नेंस की मिसाल पेश करें। प्रदेश में हरेला पर्व को एक ही दिन में एक साथ मनाने का फैसला त्रिवेंद्र रावत सरकार ने किया है। IS वीक के समापन कार्यक्रम में शामिल
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों से कम समय में बेहतर रिजल्ट देने की बात कही। हरेला पर्व को लेकर मुख्यमंत्री का कहना है कि पहले जुलाई महीने से शुरू होकर हरेला अगस्त सितंबर तक चलता था, जिससे हरेला के समय लगने वाले पौधों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता था। ऐसे में अब फैसला लिया गया है कि पूरे उत्तराखंड में एक ही दिन हरेला पर्व मनाकर पौधों का रोपण किया जाएगा। प्रदेश में अब जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मदद मिलने में देरी नहीं होगी। जी हां, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विवेकाधीन कोष पोर्टल का शुभारंभ किया, जिससे अब हफ्ते भर में ही मरीज या जरूरतमंद के जरूरत के हिसाब से पैसे उनके बैंक अकाउंट तक पहुंचा दिए जाएंगे। इससे पहले महीनों की मशक्कत विवेकाधीन कोष के पैसों को पहुंचाने में लगती थी। सीएम के मुताबिक इससे व्यवस्था में सुधार आएगा। उत्तराखंड में एनएसए अजय डोभाल के बेटे सूर्य डोभाल का प्रदेश में लगातार दस्तक देने से प्रदेश बीजेपी खेमे में हलचल देखी जा रही है। एक तरफ जहां राजनीतिक गलियारों में कई कयास लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व से हरीश रावत ने कहा है कि वो युवा हैं, बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व दम तोड़ रहा है और कमान संभालने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। वहीं मामले पर उधम सिंह नगर के लोकसभा सांसद अजय भट्ट से और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य से बात की गई तो अजय भट्ट ने सूर्य को अच्छा व्यक्ति बताया, तो वहीं यशपाल ने कहा कि ये अफवाह है, ऐसा फैसला केंद्र नेतृत्व ही लेगा। मसूर विधायक गणेश जोशी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के संग बैठक की। विधायक जोशी ने अधिकारियों से मसूरी क्षेत्र की सड़कों, पार्किंग और पुलों को लेकर चर्चा की। विधायक गणेश जोशी ने अधिकारियों को मसूरी शहर की पार्किंग और निर्माणाधीन कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। लालकुआ में अंग्रेजी शराब की दुकान में लगातार ओवररेट शराब बेचे जाने की शिकायत मिलने के बाद एसडीएम विवेक राय ने शराब की दुकान में छापा मारा। एसडीएम विवेक राय ने अपने कर्मचारी की तरफ से जब अंग्रेजी शराब का कार्टर खरीदवाया तो दुकान स्वामी ने प्रिंट रेट से 10 रुपए महंगा दिया, जिस पर एसडीएम ने तत्काल दुकान के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए जिलाधिकारी को अंग्रेजी शराब की दुकान मालिक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की रिपोर्ट देने की बात कही। उधम सिंह नगर के सितारगंज के शक्ति फार्म में सड़क निर्माण को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार 10 दिनों से जारी है। दरअसल 16 किलोमीटर लंबी सड़क को पहले एडीबी की तरफ से बनाया जा रहा था, पर वन विभाग की आपत्ति के बाद सड़क निर्माण का काम रुक गया, जिसके बाद सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा के प्रयासों से वन विभाग को गढ़वाल में जमीन दी गई, जिससे वन विभाग की आपत्ति तो खत्म हो गई पर एडीबी के वक्त सीमा खत्म होने से सड़क निर्माण का काम रुक गया। इसी वजह से स्थानीय जनता धरना दे रहे हैं, साथ ही मांग कर रहे हैं कि जल्द ही शक्ति फार्म सिरसा रोड सड़क का काम जल्द शुरू किया जाए। उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जेल हल्द्वानी में एक कैदी को जेल में तैनात बंदी रक्षक और दूसरे एक अन्य कैदी ने मामूली बात पर जमकर पिटाई कर दी, जिसमें कैदी का हाथ और पैर टूट गया। घायल कैदी को हल्द्वानी के बेस अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे हाथ और पैरों में प्लास्टर बांध दिया। वहीं कैदी को डॉक्टर तक ले जाने के लिए अस्पताल के पास स्ट्रेचर तक नहीं मिल पाया, जिसके चलते घायल कैदी को ठेले पर ही अस्पताल ले जाया गया। वहीं कैदी का कहना है कि उसकी पिटाई जेल में तैनात बंदी रक्षक पवन और एक कैदी ने। प्रदेश में बाल विकास विभाग की तरफ से 20 जनवरी से 26 जनवरी तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके चलते बाल विकास परियोजना कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समस्त सरकारी विभागों के अधिकारियों ने शिरकत की, तो वहीं बालिकाओं से जुड़ी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और बालिकाओं को आगे बढ़ाने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। इस कार्यक्रम में विभागों के प्रतिनिधियों की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ भी ली गई। मरीजों की परेशानी को देखते हुए डीएम नैनीताल ने सभी सीएमएस और पीएमएस को साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी डॉक्टर मरीजों के लिए बाहर की दवाई नहीं लिखेगा। अगर ऐसा कोई मामला संज्ञान में आया कि जिसमें मरीज दवाओं के लिए परेशान हो रहा हो या डॉक्टर ने उसे बाहर की दवाई लिखी हो तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी के मुताबिक कई बार ऐसी शिकायतें आई हैं, डॉक्टर मरीज के लिए अस्पताल से बाहर की महंगी दवाइयाँ लिख देते हैं, जिससे मरीजों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। जनपद मुजफ्फरनगर में वाहनों की चेकिंग कर रही पुलिस ने सामने से आ रहे दो बाइक सवारों को चेकिंग के लिए रोकने की कोशिश की, तो बाइक सवारों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों का पीछा करते हुए जवाबी फायरिंग की तो एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया। घायल बदमाश की पहचान राउफ उर्फ काड़ा के रूप में हुई है। वहीं पर फरार बदमाश की तलाश में पुलिस जंगलों में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है।
हापुड़ में श्रीमती ब्रह्मा देवी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग और अग्निशमन विभाग की तरफ से मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया गया। इसमें विद्यालय की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान सभी शिक्षकों और छात्राओं को सेमिनार के माध्यम से ट्रेनिंग भी दी गई। उनको आपदा और आग से बचने के तरीके बताए गए। सायरन बजते ही अग्निशमन विभाग के अधिकारियों और कर्मियों ने 1,800 छात्राओं को, शिक्षक और कर्मचारियों को 2 मिनट में विद्यालय से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। सर्च टीम की तरफ से विद्यालय के 2 घायल सफाई कर्मचारियों से विद्यालय से निकालकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनका उपचार किया। सीएफओ ने मनोज शर्मा ने सभी को मॉक ड्रिल का महत्व बताया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक ने ऐसी स्थिति में प्राथमिक उपचार करने का तरीका बताया। फतेहपुर जिले में शासन की तरफ से नामित नोडल अधिकारी भुवनेश कुमार ने सीएमओ ऑफिस में छापा मारा। छापेमारी के दौरान सीएमओ ऑफिस में तैनात अधिकारी और कर्मचारी में हड़कंप मच गया। वहीं नोडल अधिकारी ने गहनता से सभी फाइलों का निरीक्षण किया, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किए गए भुगतान की भी जांच की। जांच के दौरान स्टॉक रजिस्टर में मिलान सही न मिलने पर फटकार भी लगाई और बिल भुगतान किए गए रजिस्टर को जब्त कर लिया गया। साथ ही इस पूरे मामले में जांच के आदेश देते हुए दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया। इस मामले में डीएम संजीव कुमार ने कहा कि शासन की तरफ से नामित जिले के नोडल अधिकारी सीएमओ ऑफिस का निरीक्षण किया, जहां स्टॉक रजिस्टर और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किए गए भुगतान रजिस्टरों को भी देखा और दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। लखनऊ में रोलेक्स अपार्टमेंट के पास बदमाशों ने युवक को पीट पीट कर गंभीर हालत में सड़क के किनारे फेंक कर फरार हो गए। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई में उलझी है। सीमा विवाद में उलझी चिन्हित पुलिस अपना क्षेत्र मानने को तैयार नहीं थी। युवक के सिर और शरीर पर कई जगह लाठियों से पीटे जाने के निशान है। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर बेहोश युवक को कई घंटों के बाद होश नहीं आया। आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रूफटॉप सोलर स्कीम का शुभारंभ करेंगे। देहरादून पिरूल से बिजली बनाने और पर्वतीय क्षेत्रों में सब्सिडी आधारित सोलर योजना शुरू करने के बाद अब प्रदेश सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत प्रदेश सरकार रूफटॉप सोलर स्कीम शुरू करेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज इसका शुभारंभ करेंगे। इस योजना में 1 से 10 किलोवाट तक के प्लांट में 20 से 40% सब्सिडी मिलेगी। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस क्रम में सरकार बिजली के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नई योजना लागू करने जा रही है। इस योजना से जुड़कर प्रदेश के 20 लाख घरेलू उपभोक्ता सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत 15 वेंडर सूचीबद्ध कर दिए गए। बहराइच जिले के थाना कैसरगंज पुलिस टीम ने एटीएम बदलकर लोगों को कंगाल बनाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों शातिरों की पहचान हो चुकी है। दोनों आरोपियों ने पिछले 31 दिसंबर और 1 जनवरी को एटीएम बूथ में घुसकर एक युवक का एटीएम कार्ड बदलकर उसके अकाउंट से 1,52,000 की नकदी गायब कर दी थी, जिसकी FIR थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी थी। इसी दौरान एटीएम बूथ में लगे CCTV और सर्विलांस के मदद से पुलिस चोरों के गिरेबान तक पहुंच गई और चोरों के कब्जे से 1,48,000 की नकदी बरामद कर जेल के सलाखों में भेज दिया। फिरोजाबाद के सिरसागंज पुलिस ने 630 पेटी अवैध शराब बरामद की है। शराब की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया है। ड्राइवर से पूछताछ करने पर उसने ट्रक के मालिक को पटियाला का रहने वाला बताया। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सौ साल पुराना डोईवाला का रेलवे स्टेशन अब जल्द ही नए रूप और आधुनिक सुविधाओं से लैस होकर डोईवाला विधानसभा को मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की गृह विधानसभा डोईवाला का रेलवे स्टेशन 5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो चुका है। 8 फरवरी से ये रेलवे स्टेशन लोगों के लिए शुरू हो जाएगा। डोईवाला रेलवे स्टेशन अब 2 प्लेटफॉर्म और 2 लूप लाइन के साथ तैयार हो रहा है। रेलवे स्टेशन की मेन पटरी पर मालगाड़ी का सफल संचालन भी हो चुका है। अब आधुनिक जापानी मशीन की तरफ से रेल पटरियों का बैलेंस और सीधा करने का काम हो रहा है। अलकनंदा अपने उद्गम स्थल से किस तरह से गंदी हो रही है, इसकी झलक चमोली में सीवरेज गंदगी है। लगातार स्थानीय लोग इस समस्या को लेकर प्रशासन से बात करते रहे हैं, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। अब SDM चमोली का कहना है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित विभाग पर कार्रवाई होगी।
मुजफ्फरनगर के पुरकाजी इलाके में खेत में खुदाई करते वक्त तोप मिलने से अड़कर मर गया। सूचना पर पुरकाजी चेयरमैन जहीर फारूकी ने भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर जेसीबी की मदद से जमीन के अंदर से तोप निकाला। तोप के बारे में बताया गया कि ये ब्रिटिश शासनकाल की तोप है। फिलहाल तोप को सूलीवाला बाग पर रखे जाने की तैयारी की जा रही है। पिथौरागढ़ में धाराचूला मुख्यालय को चीन सीमा से जोड़ने वाले तवाघाट पुल के गिरने से सीमांत क्षेत्रों के लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। पुल ध्वस्त होने से तवाघाट में करीब 2 दर्जन वाहन फंस गए, तो वहीं प्रशासन ने आवागमन के लिए धौली गंगा नदी पर अस्थायी पुल का निर्माण कर दिया है, जिसके जरिए पैदल आवाजाही संभव हो पाई है। लोग इस पुल के जरिए अपना सामान ढोकर धौली गंगा नदी को पार कर रहे हैं और दूसरी तरफ से वाहनों की अदलाबदली कर रहे हैं। पुल टूटने के व्यास और 14 घाटे की करीब 20,000 की आबादी के लिए संकट पैदा हो गया है। रात में अवैध तरीके से निकल रहे उपखनिज पर वन विभाग जल्द कार्रवाई करने जा रहा है। बता दें कि रातों रात होते ही रामनगर से उदयपुरी चोपड़ा मदैया और जस्सा गाजा में स्थित स्टॉक से अवैध रूप से रात में उपखनिज की सप्लाई की जा रही है, जिनके आदेशों की खनन माफिया खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं। गौरतलब है कि यहां स्टॉक भंडारण की अनुमति तो है, लेकिन रनिंग उपखनिज बेचने की अनुमति नहीं है। फिर भी यहां स्टॉक स्वामी रात में वाहनों से उपखनिज बेच रहे हैं। जब इस बारे में वन विभाग के चीफ कुमाऊं से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डीएफओ को मैंने जांच के आदेश दे दिए। उत्तराखंड का मंगलोर कस्बा शाहीनबाग में तब्दील होता दिखाई दे रहा है, जहां सैकड़ों महिलाएं अपने बच्चों के साथ CAA कानून के खिलाफ एक मदरसे में इकट्ठा हुई और इस कानून के खिलाफ जमकर हुंकार भरी। दरअसल NRC और CAA कानून के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो कहीं इन कानून का समर्थन भी किया जा रहा है। खासकर मुस्लिम समाज और दलित समाज के लोग लगातार कानून में हुए संशोधन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जालौन में एक बार फिर देखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार मारुति ओमनी पेड़ से टकरा गई, जिससे कार सवार 2 लोगों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जालौन कोतवाली क्षेत्र के जालौन बंगरा मार्ग की घटना बताई जा रही है। अमरोहा में अज्ञात वाहन ने रोड पार करते वक्त युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि गजरोला नेशनल हाईवे नंबर 9 पर यह दुर्घटना हुई। प्रदूषण की स्थिति दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। ग्रीन पीस इंडिया की तरफ से जारी किए गए एरोपोकलिप्स रिपोर्ट के मुताबिक देश के 25 सबसे प्रदूषित शहर में उत्तर प्रदेश के 16 शहर शामिल हैं। रिपोर्ट के चौथे संस्करण में पाया गया है कि 287 में 231 भारतीय शहर जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत आते हैं, वहां की हवा में PM10 का स्तर 60 से ज्यादा पाया गया है। लखनऊ देश का 14वां सबसे प्रदूषित शहर है। झांसी के नए SSP डी प्रदीप कुमार झांसी पहुंचने से पहले हाईवे के सेमरी टोल प्लाजा के CCTV कैमरों का निरीक्षण किया। SSP ने कहा है कि जनता को न्याय दिलाना और दोषियों पर सख्त कार्रवाई दिलाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और लोक दल पार्टी के नेताओं ने एक जगह बैठकर संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। तीनों पार्टी के नुमाइंदों ने धारा 144 के खेल को विस्तार से बताया। दरअसल मेरठ में धारा 144 लगी है, जिसके चलते विपक्ष के सभी नेताओं को किसी भी प्रोग्राम को करने से रोक दिया जाता है। प्रशासन अनुमति नहीं देता है। यहां तक कि 2 बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मेरठ में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन धारा 144 के चलते उन्हें मेरठ में एंटर नहीं करने दिया गया। साथ ही अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की वेस्ट यूपी में होने वाली रैलियों को एक एक दिन पहले कैंसिल भी कर दिया गया, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ता मेरठ में धारा 144 का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली समेत कई मांगों को लेकर आकस्मिक छुट्टी लेकर धरना पर शिक्षक बैठ गए हैं। बेसिक शिक्षा कार्यालय पर जुटे शिक्षक जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। शिक्षकों ने प्रदेश सरकार पर उनकी मांगों को न माने जाने का आरोप लगाया। प्राथमिक शिक्षक संघ की मांग है कि प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करे।
जयपुर में स्थित बागेश्वरी इलाके में बने संवासिनी गृह से बीते सोमवार को दो संवासिनियां बाथरूम के रास्ते से दीवार पार कर भाग गई। इस बात का पता काफी देर बाद चला जब उनकी खोजबीन शुरू हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले तो संवासिनी गृह की सुरक्षा कर्मी दोनों युवतियों को खुद तलाशने में लगी, जिसमें उन्हें एक को पकड़ने में कामयाबी मिली, लेकिन एक अभी भी फरार है। सूचना बाल अधिकारियों तक पहुंची तो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसकी तलाश अब पुलिस कर रही है। वाराणसी में पहली बार सेना की वीरता से जुड़े हुए दस्तावेज युद्ध में प्रयोग किए गए हथियारों की प्रदर्शनी 39 BTC में लगाई गई। ये बार म्यूजियम आम लोगों के लिए खोला गया है। वाराणसी में मौजूद 39 BTC में युद्ध संग्रहालय का शुभारंभ सोमवार को किया गया। कानपुर के महुआपुर गांव में मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत पर सो रहे एक युवक को कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक सजीती थाना क्षेत्र के महुआपुर गांव का रहने वाला प्रशांत कुमार बीती रात अपने ताऊ के लड़के सुनील के साथ नलकूप में सो रहा था, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने प्रशांत पर धारदार हथियार से वार किया। इस हमले में प्रशांत की मौत हो गई तो वहीं बीच बचाव करने के चलते प्रशांत का भाई भी गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल सुनील ने इस घटना की जानकारी परिजनों को दी। घटना की जानकारी होते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया, जिसके बाद परिजनों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवक को हमीरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस के मुताबिक इस हत्या के पीछे कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग का मामला भी सामने आ रहा है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने पड़ोस में रहने वाली महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में महिला घायल हो गई, जबकि हमलावर युवक ने खुद पर भी धारदार हथियार से हमला कर लिया। घायल युवक की अस्पताल में ले जाते वक्त मौत हो गई। घटना के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। मृतक युवक के परिजनों ने महिला पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सकरा गांव के रहने वाले महेश बिंद का पड़ोस में रहने वाली एक विवाहित महिला से संबंध था। आरोप है कि युवक महेश सोमवार को महिला के घर पहुंचा और उस पर धारदार हथियार से हमला किया। हमले में महिला घायल हो गई। इसी दौरान युवक ने खुद पर भी धारदार हथियार से वार किए। घायल युवक के इलाज के लिए जाते वक्त मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने महिला पक्ष पर युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 2021 में होने वाले कुंभ को लेकर अधिकारियों ने अपनी कमर कस लिया। इसी को लेकर 6 कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। सबसे पहले पुलजटवाड़ा से मोहम्मदपुर झील तक कावड़ा पटरी का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही विश्व कल्याण आश्रम मात्र सदन दक्षद्वीप और बस्तीराम पाठशाला के पास भी पुलों का भी निरीक्षण किया गया। गुणवत्ता नियंत्रण के अधीक्षक अभियंता हरीश पांगते के नेतृत्व में थर्ड पार्टी टीम भी मौजूद थी। टीम ने मौके पर कार्यों के नमूने की गुणवत्ता की जांच की। देहरादून में मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में एक बार फिर से भारी बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 48 घंटों में प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है, जिसके बाद SDRF ने अभी अपनी तैयारी पूरी होने की बात कही है। IG SDRF संजय गुंजियाल ने बताया कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद SDRF को भी अलर्ट पर रखा गया है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की बात भी कही गई है। लगातार हो रही बर्फबारी ने पिथौरागढ़ जिले के ऊंचे इलाकों में भारी दिक्कतें खड़ी कर दी है। मुंसियारी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला मोटर मार्ग बर्फ जमा होने के चलते बीते 5 दिनों से बंद है। इसके साथ ही कई गांवों का बिजली गुल है। भारी बर्फबारी होने के चलते यहां का तापमान नीचे गिर गया, जिससे यहां पर ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। लोगों को बाहर निकलने में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिग्गज ऑटो कंपनी हुंडई की मोस्ट अवेटेड कॉम्पैक्ट सेडान ओरा की लॉन्चिंग हो गई है। BSVI की इस कार की शुरुआती कीमत 6 लाख रुपए से भी कम यानी कि 5.79 लाख रुपए है। वहीं टॉप वेरिएंट की कीमत 9.22 लाख रुपए तक जाती है। कहने का मतलब यह है कि ओरा मिडिल क्लास के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। बहरहाल हुंडई की ये कार 6 कलर ऑप्शन में आएगी। बीते 2 जनवरी को हुंडई ने ओरा की बुकिंग शुरू करने का ऐलान किया था। इस बार की बुकिंग सिर्फ 10,000 रुपए में की जा सकती है। वोडाफोन और आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें दोनों कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट से पेमेंट की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है। पेमेंट की तारीख 23 जनवरी से आगे बढ़ाने की मांग है। भारतीय एयरटेल टाटा टेले ने भी याचिका दायर की है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में वोडाफोन आइडिया भारतीय एयरटेल और कई दूरसंचार कंपनियों की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था।
नई दिल्ली में इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी की तरफ से एक समारोह किया गया, जिसमें विशिष्ट ज्यूरी उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन और उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा की अध्यक्षता में चुने हुए विशिष्ट लोगों को भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तरफ से चैंपियन ऑफ चेंज 2019 अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवार्ड पाने वालों में पंचायत परिषद के राष्ट्रीय महासचिव अभिनव सिंह, अनुराग ठाकुर, हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया, शिल्पा शेट्टी, स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज, आचार्य बालकृष्ण, एक्टर सुरेश ओबेरॉय और कई नामी मंत्रियों और सांसदों को सम्मानित किया गया। स्विट्जरलैंड के दावोस में मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से इत्र हुई। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान के संबंध में कश्मीर को लेकर सोच रहे हैं और अगर हम मदद कर सकते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। WEF से इत्र बैठक में दोनों नेताओं ने अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंधों को बढ़ाने पर भी सहमति जताई। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री इमरान खान ने परस्पर हित क्षेत्र, सुरक्षा, कश्मीर और अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया पर भी बात की। ट्विटर पर रोहित शर्मा ने एक फोटो शेयर की है। इस फोटो में एक तरफ युजवेंद्र चहल तो दूसरी तरफ द रॉक हैं। दोनों ही बिना शर्ट के, दोनों की बॉडी पर बना टैटू काफी हद तक आकर्षित कर रहा है। तस्वीर को शेयर करते हुए रोहित शर्मा ने कहा कि आज जो मैंने देखी वो बेस्ट तस्वीर, भारत ने सीरीज जीती लेकिन सुर्खियों में कोई और बनाए। इन दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी काफी चर्चा में है। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बन रही इस फिल्म के दो पोस्टर रिलीज किए जा चुके हैं। वहीं फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन इस बीच खबर यह है कि आलिया भट्ट को बैक इंजरी हो गई जिसकी वजह से वो इन दिनों आराम कर रही है। अमिताभ बच्चन की स्पोर्ट्स ड्रामा भी टीजर आउट हो गया है। टीजर वीडियो में अमिताभ कह रहे हैं कि यूं नहीं कहिए सर, टीम कहिए। इसके बाद वीडियो में काफी सारे लोग हाथ में हथियार लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी टीजर को काफी पसंद किया जा रहा है। बता दें कि इस फिल्म में अमिताभ एक फुटबॉल कोच की भूमिका में नजर आएंगे।